वेलकम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विजेंद्र चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। तो आइए आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं ऑनलाइन डीटीएस फॉर जेईई मेंस, इट इज डीटीएस नंबर 5 एंड पेपर नंबर 2। ओके, तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, और ये है हमारा पहला प्रश्न। ओके, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि M2 ब्लॉक का अधिकतम मान क्या हो जिसके लिए निकाय साम्य में रहे, ब्लॉक M1 तथा सतह के बीच घर्षण गुणांक का मान है यहाँ पर म्यू। ओके, तो भाई हमें यहाँ पर इस M2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और निकाय साम्य में रहे इसका अर्थ है कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं M1 की, तो क्योंकि हमें यहाँ पर M2 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम लोग सीमांत घर्षण की बात कर रहे होंगे, अधिकतम घर्षण की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आएगा बच्चों मैक्सिमम फ्रिक्शन, दैट विल बी μs, और यहाँ पर आएगा बच्चों टेंशन टी। तो अगर टी और μs n का वैल्यू बराबर हो जाए तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पर कह पाएंगे कि ये और ये ब्लॉक साम्यावस्था में रहेंगे। तो हमने क्या किया, टी बराबर μs n, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर हम लोग बात करें n की, तो n आएगा बच्चों यहाँ पर m1g, ठीक है। तो यहां से आपको प्राप्त होगा टी बराबर μs n का वैल्यू m1 into g, इसको कहा हमने समीकरण नंबर 2। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, और ये टेंशन यहाँ पर दो पार्ट्स के अंदर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आएगा टेंशन T/2 और यहाँ पर भी आएगा टेंशन T/2। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि टेंशन T/2 m2g को बैलेंस कर रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं T/2 बैलेंसिंग m2 into g, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3 को सॉल्व करके फाइनली हम लोग यहाँ पर इस m2 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे होगा सॉल्व, तो यहाँ पर t का वैल्यू आ रहा है 2m2g, तो ये 2m2g यहाँ से यहाँ पर हमने t का मान रख दिया है, ये आएगा बच्चों μs m1 into g, ठीक है, जिसे g यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, तो m2 का यहाँ पर वैल्यू आ चुका है, दैट विल बी μs m1 अपॉन 2। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर दे रहा है, इट इज μm1 अपॉन 2, इट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दिए गए चित्र में दो ब्लॉकों के मध्य घर्षण गुणांक का मान है म्यू, अगर सभी सतह चिकनी हो, इसके अलावा मतलब घर्षण सिर्फ यहाँ पर है, ओके, तो आपका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फिसलन ना हो, मतलब ये ब्लॉक जो है वो फिसले नहीं नीचे की ओर, ठीक है बच्चों। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि यह है ब्लॉक M2, यह है ब्लॉक M1, और यहाँ पर है फोर्स F, और ये घर्षण रहित सतह है, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक की हम लोग अगर बात करें, तो ये ब्लॉक अगर नहीं फिसले, इसके लिए ऊपर की ओर घर्षण बल का मान और नीचे की ओर जो फोर्स है M1g, उन दोनों का मान बराबर होना चाहिए, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं F के न्यूनतम बल की, इसका अर्थ है कि इस ब्लॉक को जस्ट हमें यहाँ पर रोकना है, जस्ट रोकना है, इसका अर्थ है कि हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का यूज कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी μs into n, okay, so from here we can say that μs n, it will be m1 into g, that will be our equation number 1, okay। अब देखिए इस केस के लिए जब भी आपको पता हो कि घर्षण नहीं है यहाँ पर और कोई फोर्स लग रहा हो, तो आमतौर पर आपको त्वरण का मान ज्ञात करना होता है। तो अगर हम लोग बात करें त्वरण की, त्वरण का मान यहाँ पर आएगा बच्चों कुल बल बटा कुल द्रव्यमान, यानी m1 plus m2, ये आएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इस m1 की, क्योंकि हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ओके, और जब तक n का मान ज्ञात नहीं होगा तब तक हम लोग इस f का न्यूनतम मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस n का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इस m1 का FBD
बना रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स आ रहा है बच्चों एफ, और इधर की साइड इस पर फोर्स आ रहा है नॉर्मल फोर्स, ओके। तो अगर हम लोग इसके लिए समीकरण लिखे तो ये आएगा एफ माइनस एन बराबर एम वन इंटू ए, ठीक बात है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एफ माइनस एन बराबर एम वन इंटू ए, तो यहाँ से आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। यहाँ से आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा और ए जो है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, ओके ओके। एन का वैल्यू हम लोग यहाँ से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा एफ माइनस एन, एन का वैल्यू कितना, एम वन जी अपॉन म्यू, एम वन जी अपॉन म्यू, ओके। म्यू आपको प्रश्न में दिया गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये आएगा बच्चों एम वन, ओके, और ये आ रहा है बच्चों ए, ए का मान एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, ओके। तो ये हमें यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो चुका है, इसको सॉल्व करके आप लोग एफ का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इसको यहाँ ले आओ और इस वाले पार्ट को यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आएगा एफ माइनस एम वन इंटू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, और ये आएगा बच्चों एम वन इंटू जी अपॉन म्यू, ओके। तो आप लोग यहाँ से एफ कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, फाइनली आपको यहाँ से एफ का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो राइट डाउन इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो हम लोग इसको सॉल्व करके फाइनली अपना आंसर ला सकते हैं। एफ यहाँ पर आ गया कॉमन, ये आएगा बच्चों एम वन प्लस एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और ये आ रहा है बच्चों एम वन इंटू जी अपॉन म्यू। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एम वन से एम वन कैंसिल, तो यहाँ से आपको एफ का वैल्यू मिल जाएगा, यानी ये आएगा एम वन जी एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम टू इंटू म्यू, एम टू इंटू म्यू। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ओके। एम वन जी एम वन प्लस एम टू, एम वन जी एम वन प्लस एम टू, और नीचे आ रहा है म्यू इंटू एम टू, म्यू इंटू एम टू, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है, देख लीजिए ये है ऑप्शन फर्स्ट, ओके। सो पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर तीन, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि खुरदरी सतह पर एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक को सरकाने के लिए न्यूनतम बल कितना आवश्यक है, जहाँ ब्लॉक और सतह के मध्य घर्षण गुणांक का मान है म्यू, ओके। तो इस ब्लॉक को खिसकाने के लिए न्यूनतम फोर्स हमें कितना चाहिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये है ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर हम लोग फोर्स अप्लाई यहाँ कर सकते हैं या यहाँ कर सकते हैं या यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन तीनों में से किस केस में सबसे कम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ये हम लोग यहाँ से देख पाएंगे कि यहाँ पर इस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो एन को बढ़ा देगा, यानी फ्रिक्शन को बढ़ा देगा, जबकि यहाँ पर इसका कोई भी कंपोनेंट एन की न तो हेल्प कर रहा है और न ही अपोज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इस एफ का ये वाला कंपोनेंट एन को कम कर देगा, और अगर एन कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी कम हो जाएगा। इसका अर्थ है कि मिनिमम फोर्स अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात होगी कि हमको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि आखिर उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा ताकि वो ब्लॉक स्लाइड कर सके। तो मान लीजिए कि ये फोर्स एफ, और इसका हॉरिजॉन्टल से हमने लिया एंगल थीटा, तो ये आएगा बच्चों एफ कॉस थीटा, और ऊपर की ओर होगा बच्चों एफ साइन थीटा, ठीक है बच्चों। नीचे की ओर फोर्स एम जी आएगा, ऊपर की ओर फोर्स आएगा एन। अब ये अगर साम्यावस्था में है तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एन का मान यहाँ पर हमें, देखिए बच्चों, एन प्लस एफ साइन थीटा प्लस एन, ये आएगा बच्चों एम जी। तो यहाँ से एन का वैल्यू आपको मिल जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर वन। और अगर हम लोग बात करें तो ये फोर्स जो है, यानी एफ कॉस थीटा जो है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये ब्लॉक खिसक पाएगा। यानी एफ कॉस थीटा इट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू म्यू एस एन,
ओके दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ से एन का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे जिससे हमको समीकरण प्राप्त होगी। तो ये आएगा बच्चों एफ कॉस थीटा। ओके ओके ये बैलेंसिंग कर, ठीक है ठीक है ओके ठीक है और बराबर कर दो। ओके तो यहाँ से एफ कॉस थीटा म्यूस एन म्यूस एज इट इज एन का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए एम जी माइनस एफ साइन थीटा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट विल बी एफ कॉस थीटा इट विल बी म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा। इसको यहाँ ले आओ और एफ ले लो कॉमन, तो ये आएगा बच्चों कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा बराबर म्यू एस एम जी। तो यहाँ से आपको एफ मिल रहा है बच्चों म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसको हमने कहा समीकरण नंबर तीन। अब देखो आपको यहाँ पर एफ तो प्राप्त हो चुका है लेकिन प्रॉब्लम है थीटा का। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू क्या हो ताकि ये फोर्स जो है वो मिनिमम हो जाए। तो अगर इसको करना है मिनिमम तो इस वाले पार्ट को करना पड़ेगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर म्यू एस एम और जी ये तो है कॉन्स्टेंट, चेंज कौन हो रहा है यहाँ पर थीटा, थीटा यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा तब इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ओके तो मिनिमम फोर्स हमें यहाँ पर चाहिए था, न्यूनतम बल, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आखिर कौन से वाले थीटा के लिए फोर्स मिनिमम होगा और साथ ही साथ हम लोग उस मिनिमम फोर्स का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कहा मान लीजिए कि ये है एक्स या इसको हमने कहा वाई। ओके सो वाई ये आएगा कॉस थीटा प्लस म्यूएस साइन थीटा। तो हमने कहा डीवाई बाई डी थीटा, ये आएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन थीटा म्यूएस और साइन का होता है बच्चों कॉस और इसको कर दिया इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम हियर वी कैन से म्यूएस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है बच्चों म्यूएस, तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिल चुका है टेन इनवर्स म्यूएस। सो फॉर दिस एंगल वी कैन से दैट फोर्स विल बी मिनिमम। ओके तो यहाँ से हम लोग अगर टेन थीटा हमको पता है तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्राप्त, देखो बच्चों टेन थीटा यहाँ पर आ रहा है म्यूएस अपॉन वन और टेन थीटा होता है लंब बटे आधा, तो ये हो गया म्यूएस लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कौन थीटा, तो ये हुआ हमारा म्यूएस स्क्वायर प्लस वन का रूट, ये है हमारा हाइपोटेनस। सो फ्रॉम हियर वी कैन पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके और यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रख के आप लोग फाइनल अपने आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिल रहा है। कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बच्चों वन, हाइपोटेनस म्यूएस स्क्वायर प्लस वन, तो बेस अपॉन म्यूएस स्क्वायर प्लस वन। और साइन थीटा की बात करें तो ये आएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी म्यूएस स्क्वायर प्लस वन का रूट। तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखें तो फाइनली हमको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा और उसके आगे सवाल आप लोग कर सकते हैं आई होप। ओके तो उसके बाद आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको और अगर यहाँ तक कोई आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पर रखकर जब आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है ओके बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चार की ओर। और यहाँ पर है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक खुरदरी सतह पर रखा हुआ है। ओके तो ये हमारा ब्लॉक और ये खुरदरी सतह पर रखा हुआ है, इसका मास है एम, एम का वैल्यू दिया गया 5 kg। ओके इसका वैल्यू दिया गया बच्चों 5 kg। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा हो 2t, ओके तो यहाँ पर टाइम के साथ जो है वो फोर्स चेंज कर रहा है खुद को,
तो आपसे कहा कि अगर टी बराबर 2.5 सेकंड पर फिसलना प्रारंभ करता है तो इसका स्थैतिक और गतिक घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है बच्चों कि ये खिसकना तब स्टार्ट करता है जब ये फोर्स जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर एटलीस्ट हो जाता है। ओके, तो कब स्टार्ट करता है बच्चों ये 2.5 सेकंड पर। तो 2.5 सेकंड पर इस फोर्स का वैल्यू आएगा 2.5, मतलब ये आएगा 5 न्यूटन। ओके, एफ डैश और म्यूस एन का वैल्यू बराबर हम लोग कर देंगे तो म्यूस एन बराबर एफ डैश का वैल्यू कितना है बच्चों 5, म्यूस एन का वैल्यू कितना एम जी। ओके, फाइव एफ एम का वैल्यू कितना है बच्चों 5, तो 5 से 5 यहां पर कैंसिल, जी का वैल्यू 10, तो म्यू आएगा 1/10, इट मींस 0.1। ओके, 0.1 इट मींस ऑप्शन 1 3 और 4 में से कोई भी एक आंसर ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग गति घर्षण गुणांक की। इन्होंने कहा है कि टी बराबर 3 सेकंड में इसका त्वरण का मान है 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसके हेल्प से हम लोग म्यू के का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है कि हम लोग समीकरण लिख लेंगे और इसकी सहायता से फिर हम लोग हल कर लेंगे। तो टी का मान यहाँ पर लिया है 3 सेकंड, तो उस केस में यह हमारा जो फोर्स होगा दैट इज डबल डैश, सो ये आएगा 2 × 3 विल बी 6 न्यूटन। ओके, ये फोर्स होगा आगे की ओर, और पीछे की ओर जो फोर्स होगा फ्रिक्शन दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन। ओके, सो एफ डबल डैश आगे म्यू के एन पीछे, और ये ब्लॉक जा रहा है आगे की ओर एम इंटू ए। ठीक है, तो एफ डबल डैश आपके पास है 6 और म्यू के एन एन ही हमारे पास एम जी, एम का वैल्यू है हमारे पास 5 और ए का वैल्यू भी आपको यहाँ पर दिया गया है कितना 0.4। तो इन सब का वैल्यू रख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो और म्यू के का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन सब को सॉल्व करके आपको म्यू के का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ कैलकुलेशन इज देयर, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, अगले प्रश्न की ओर, यह है हमारा 5वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक सरल रेखा में गति करते हुए कण की वेग दूरी के साथ b बराबर a रूट x के रूप में चेंज कर रहा है। सभी बलों द्वारा किया गया कार्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, कब, जबकि x का मान 0 से x बराबर l तक चेंज हो रहा हो। ओके, कण का जो मास है वो आपको यहाँ पर दिया गया है m। तो बच्चों इस केस में आपको सिर्फ क्या करना है, कुल कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टोटल वर्क ये होता है बच्चों डेल्टा के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसके हेल्प से आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा। ओके, तो अब देखिए बच्चों टोटल वर्क हमें चाहिए, इट मींस वी वांट टू फाइंड आउट डेल्टा के। ओके, सो डेल्टा के हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए बच्चों डेल्टा के ये क्या होगा, हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल स्क्वायर। तो ये आया बच्चों हाफ एम बी फाइनल, कब, जब एक्स का मान एल है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा बी एफ दैट विल बी ए रूट एल, तो इसका स्क्वायर हम लोग करें तो ये आएगा ए स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, और बी इनिशियल एक्स का वैल्यू 0 तो बी भी 0, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट will get this answer 1/2 m a² × l, 1/2 m a² × l, so third option will be our correct answer। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर एक फोर्स है जो इस पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सीधी सी बात है कि जिस फोर्स से हम लोग स्थितिज ऊर्जा का फलन प्राप्त कर पाए, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हम लोग ला पाए, वो जो फोर्स होता है दैट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई सो दैट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको पता है एज यू नो कि एफ होता है बच्चों माइनस डी यू अपॉन डी आर, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं डी यू इट विल बी माइनस एफ डॉट डी आर, और इसका कर दे इंटीग्रेशन। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट यू
एफ दिया गया है आपको कितना है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप और इसका डॉट करना है डी आर के साथ, डी आर होता है बच्चों डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो ये आएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इन दोनों का डॉट किया तो आई डॉट आई वन इट मीन्स यू विल बी माइनस ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है यहाँ तक तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा है। उसके बाद आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, एक बात जो आपको पता होनी चाहिए तभी जाके आप लोग इसको आगे सॉल्व कर पाओगे, और वो बात ये है कि अगर आपसे कहें डी ओवर डी एक्स यू इन टू वी, तो एज वी नो इट विल बी यू इन टू डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी डी यू ओवर डी एक्स, अब चाहे यहाँ पर डी टी हो चाहे कुछ भी हो, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, इट मीन्स डायरेक्टली वी कैन से दैट डी यू वी बराबर यू डी वी प्लस वी डी यू, बिल्कुल यही बात हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इट इज लाइक दिस, सो फ्रॉम हियर वी कैन से वी कैन राइट दिस लाइक दिस, ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से यू विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन और ये आएगा डी एक्स इंटू वाई, ठीक है, और आप लोग जानते ही हो इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू एक्स मतलब अगर ये दोनों एक साथ हो तो वन का इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा एक्स, बिल्कुल यही बात हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डी एक्स वाई, ओके सो फ्रॉम हियर इट विल बी एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट विल कम सी, ओके तो जैसा हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वैसे हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आ गया हमारा आंसर, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, इट इज स्थितिज ऊर्जा इट मीन्स इट इज यू, ओके सो गॉट इट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सातवां प्रश्न, और सातवां प्रश्न जो है उसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक भारी और एक घर्षणहीन घिरणी से गुजरते ब्लॉक के लिए, ओके 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 ठीक है, यहाँ पर है एक घिरणी, ये है ब्लॉक M1 और यहाँ पर है दूसरा ब्लॉक M2, और इस निकाय का यानी इस वाले निकाय का इन ब्लॉक्स का त्वरण जो है वो आपको दिया गया है जी भाई, ये तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि दोनों द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा यानी M1 upon M2 या M2 upon M1 आपको फाइंड आउट करना है, तो बच्चों एज यू नो कि इसका फॉर्मूला यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है M2 minus M1 upon M2 plus M1 into G, जानते ये बात हम लोग, ओके तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग द्रव्यमानों का जो रेशियो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जी से जी यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, और अगर हम लोग ओके 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 ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आप लोग एक काम करना, यहाँ पर अगर आप M1 को कॉमन ले लो तो ये आएगा बच्चों M2 अपॉन M1 माइनस वन, नीचे आएगा M2 अपॉन M1 प्लस वन, ठीक है, और M1 से M1 यहाँ पर कॉमन आकर कैंसिल, ये आ रहा है जी बाई एट यानी वन बाई एट के बराबर, ओके अब आप लोग मान लीजिए कि ये x, तो ये आ रहा है x माइनस वन बराबर आठ एक्स प्लस वन, ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन सी के ये आएगा ओके एट भी आएगा एट ओके ठीक है, तो एट और ये वन यानी वन को लेके गए यहाँ पर, ये आ जाएगा बच्चों नाइन, ओके 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 वन मिनट एम टू अपॉन एम वन एम टू माइनस एम वन अपॉन एम टू प्लस एम वन इंटू जी एम टू अपॉन एम वन, यहाँ से एम वन हमने ले लिया था कॉमन, ये आ गया एक्स माइनस वन और ये आ गया बच्चों एक्स प्लस वन, ठीक है ओके 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 वन मिनट, एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, बच्चों ये एट आएगा यहाँ पर, तो ये आएगा एट एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन ये आएगा, ओके ये भी एट आएगा, ठीक है तो एट प्लस वन ये आ जाएगा नाइन और ये आएगा सेवन एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा नाइन बाई सेवन, और एक्स हमारा क्या था बच्चों M2 upon M1, so 9 is to 7, that will be our answer, so second option is the correct answer, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आठवां प्रश्न, तो ये हमारा आठवां प्रश्न, जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि अगर ये ब्लॉक्स हैं और अगर इस स्ट्रिंग को अचानक से काट दिया जाए तो उस केस में A और B ब्लॉक का जो त्वरण होगा वो क्या होगा, ठीक है देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तब इन पर कौन कौन से फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं, ओके तो
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए स्प्रिंग का है फोर्स के एक्स, ओके, और यहां हम लोग बात कर रहे हैं 2m की, यानी बीच वाले ब्लॉक की। तो इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के रेस्ट के लिए ऊपर की ओर फोर्स के एक्स, नीचे की ओर फोर्स 2m इंटू जी, टेंशन फोर्स भी कहां आएगा यहां पे नीचे की ओर प्लस टी, ओके, दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1 फॉर 2m मास ब्लॉक। और इसके लिए अगर इस ब्लॉक की हम लोग बात करें, टेंशन फोर्स यहाँ पर आएगा ऊपर की ओर और mg आएगा नीचे की ओर, तो T बराबर यहाँ पर आएगा m into g, that is our equation number 2। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग को कट करना है, स्ट्रिंग को कट करना है। तो अगर स्ट्रिंग हमने कट कर दी तो बच्चों कौन सा फोर्स यहाँ पर हट जाएगा, टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स जैसे ही हटेगा तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स था वो था के एक्स ऊपर की ओर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि के एक्स माइनस टू एम जी, ओके, के एक्स माइनस टू एम जी बराबर एम ए, ये आएगा हमारा ये जो था ब्लॉक इसका ऊपर की ओर त्वरण, तो इसको मैंने नाम दे दिया मान लो एम ए, ओके, सो दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। और अगर हम लोग बात करें नीचे वाले ब्लॉक की, क्योंकि हमने इसको कट कट कर दिया तो ये तो बिल्कुल अपने फ्री फॉल में होगा, इट मींस इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा जी। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ की, अब देखिए बच्चों यहाँ पर, ओके ओके ओके, सेकेंड वाला जो है, सॉरी ए जो है ब्लॉक, उसका मास क्या है बच्चों, 2m, तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 2m। अब देखिए बच्चों के एक्स माइनस टू एम जी, के एक्स माइनस टू एम जी का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा बच्चों, टी, और ये है 2ma, और टी का वैल्यू क्या था बच्चों, एम जी, सो ये था एम जी, टी के स्थान पर एम जी, 2ma इंटू ए, एम से एम यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट विल बी जी बाई 2। Okay, so answer from here we can say g by 2 and g should be the answer. Block B ka hoga acceleration g. So third option is the correct answer. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा नवा प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि m और m द्रव्यमान के दो ब्लॉक्स है जिनको हम लोग एक स्प्रिंग से जोड़ रहे हैं, ओके ओके, और कैपिटल एम को अगर एक नियत बल से खींचा जाए तो स्मॉल एम द्रव्यमान वाले गुटके पर बल ज्ञात करना है। ठीक है ठीक है, ओके, देख लेते हैं इसको। तो मान लीजिए ये स्मॉल एम ब्लॉक, और दूसरा जो है वो ब्लॉक फोर्स जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है कैपिटल एम पर, ठीक है ठीक है। तो ये हमारी स्प्रिंग और ये हमारा दूसरा ब्लॉक, कैपिटल एम है इसका मास, और इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है एफ। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि इस वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स आएगा। तो बच्चों जैसे ही ये स्प्रिंग खींचेगी तो इस स्प्रिंग में यहाँ पर फोर्स आएगा के एक्स, और इसका फोर्स आएगा आगे की ओर के एक्स। ठीक है, तो अब हमको पता है कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन, वो होगा नेट फोर्स अपॉन नेट मास। टोटल फोर्स कितना है एफ, टोटल मास कितना है एम प्लस एम। ठीक है, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस स्मॉल m पर जो फोर्स आ रहा है वो है कितना, के एक्स, इट मीन्स आपको यहाँ पर के एक्स ये आएगा बच्चों m इंटू ए। ठीक है, तो a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से रख दें तो आपको इस के एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू आ रहा है f अपॉन m प्लस m, तो ये आ गया हमारा छोटे ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स। ओके, so from here you can see that it will be small m up upon m plus m. Okay, so third option will be the correct answer. But then, अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा m up upon m. ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 10वां, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर ये दोनों ब्लॉक्स आपको दिखाए गए हैं तो इन पिंडों के निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। पिंडों का निकाय यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये है पिंडों का निकाय, तो इसका त्वरण हमें चाहिए। जाहिर सी बात है त्वरण होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स की हम लोग बात करें तो हमको पता है कि इस वाले एंगल का वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा, तो ये ब्लॉक
जाएगा इधर और ये ब्लॉक जाएगा ऊपर, क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो ये ब्लॉक इस साइड जाएगा, यहाँ पर स्लोप कम है, तो ये इधर की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्स अपॉन नेट मास। इस पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स आएगा टी, यहाँ पर फोर्स आएगा टी, विच इज इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो ये आएगा एम जी साइन 53 और यहाँ पर फोर्स आएगा बच्चों कैपिटल एम जी साइन 37। ओके, तो नेट फोर्स यहाँ पर आ रहा है एम जी साइन 53 माइनस एम जी साइन 37, एम जी साइन 37 डिग्री। और टोटल मास एम प्लस एम यानी 2m आ जाएगा। ओके, सो इट विल बी 2m, सो फ्रॉम हियर m तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा आपके पास g साइन 53। कितना होता बच्चों साइन 53 4/5। ओके, ये आएगा 4/5 और साइन 37 होता है 3/5। ओके, ये आ रहा है यहाँ पे 2, ये आ रहा है जी का वैल्यू 10, तो इसको इससे अगर कट करें तो ये आएगा 5। तो ये यहाँ पर ए का वैल्यू 4-3 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1 m/s², दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एम द्रव्यमान के गुटके पर ये यहाँ पर रखा हुआ है और एक फोर्स यहाँ से अप्लाई किया क्यू और एक फोर्स यहाँ से अप्लाई किया पी। तो ये हमसे पूछ रहा है यदि गुटका संतुलन में हो तो गुटके व पृष्ठ के मध्य घर्षण गुणांक क्या होगा। ठीक है भाई, संतुलन में इसको करना है तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से फोर्स कैसे कैसे अप्लाई होंगे। ये फोर्स आ रहा है बच्चों क्यू और ये है एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट आएगा क्यू कॉस थीटा और इधर की साइड आएगा बच्चों क्यू साइन थीटा और इधर ही फोर्स लग रहा है पी। ठीक है, अब ये अगर साम्य अवस्था में है यहाँ पर आएगा ठीक संतुलन की अवस्था में, इसका अर्थ है कि अगर फोर्स का वैल्यू थोड़ा सा भी हम लोग बढ़ा दें तो ये चलना स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो हमें यहाँ पर देखना है कि नेट फोर्स इसके ऊपर आना चाहिए जीरो, लेकिन लिमिटिंग वाली सिचुएशन में। ओके, क्योंकि ये हमसे घर्षण गुणांक का मान पूछ रहा है, जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लिमिटिंग सिचुएशन की। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा एफ लिमिटिंग, सो इस एफ लिमिटिंग का वैल्यू इन दोनों फोर्सेस के बराबर होना चाहिए। तो बैलेंसिंग के लिए हमने क्या किया, ये आता है बच्चों म्यू एस एम बराबर क्यू साइन थीटा प्लस पी। ओके, इस साइड में फोर्स बराबर पीछे की ओर फोर्स और एन का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा क्यू कॉस थीटा नीचे की ओर, एम जी भी नीचे की ओर, तो एन का आएगा ऊपर की ओर, तो एन का वैल्यू क्यू कॉस थीटा प्लस एम जी। ओके, तो ये आएगा बच्चों म्यू एस और एन का कर दिया मैंने डिवाइड। ठीक है, एन को यहाँ ले आए और एन का वैल्यू यहाँ से मैं रख रहा हूँ, दैट विल बी क्यू कॉस थीटा प्लस एम जी। ओके, सो दिस इज आवर म्यू एस, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, क्यू साइन थीटा प्लस पी। ओके, क्यू साइन थीटा प्लस पी और क्यू कॉस थीटा प्लस एम जी, क्यू कॉस थीटा प्लस एम जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारा 12वां प्रश्न, और 12वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक निकाय है और इसको ऊपर की ओर यानी फोर्स अप्लाई किया गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि त्वरण का मान ज्ञात कीजिए जबकि इनके मध्य की दूरी 2x हो जाए, यानी इसकी और इसके बीच की दूरी 2x हो जाए। उस केस में आपको यहाँ पर त्वरण का मान ज्ञात करना है इस ब्लॉक का या इस ब्लॉक का। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो भाई जैसे ही हमने इनको खींचा तो पहले तो ये यूं थे और उसके बाद अब क्या किया हमने यहाँ पर ये आया, तो अब ये लेंथ है हमारी ए, ये है x, ये है x। ओके, इन्होंने क्या कहा लेंथ के लिए 2x। ओके, जब दोनों के बीच की दूरी क्या हो 2x है तो ये x और ये भी x। ओके, और ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब देखिए बच्चों x लेंथ एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा इधर की ओर और इसमें टेंशन आएगा टी। ठीक है, तो टी का कंपोनेंट इस साइड में मान लीजिए ये है कॉन थीटा, तो
तो यहाँ पर टी कॉस थीटा बराबर आएगा बच्चों एम ए, यह आ गया इक्वेशन नंबर वन। अगर हम लोग बात करें एक्सटेंशन टी की, तो ये एंगल थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो इसके टी के कंपोनेंट एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ से यहाँ पर आएगा, ओके। और ये कोई एक पार्टिकल है, क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को मासलेस लिया है, तो इस वाले पॉइंट का मास क्या होगा, जीरो। तो हम लोग अगर इस वाले पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखें, तो ऊपर की ओर फोर्स एफ, नीचे की ओर फोर्स, ये आएगा जो टी कॉस 90 माइनस थीटा और टी कॉस 90 माइनस थीटा, इन दोनों के कंपोनेंट्स का सम, यानी 2t cos 90 माइनस थीटा, इट विल बी एम ए। एम का वैल्यू कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन कुछ भी हो, तो यहाँ पर ये आ गया जीरो। सो फ्रॉम हियर वी कैन से एफ आएगा बच्चों यहाँ से 2t, ये बन जाएगा बच्चों साइन थीटा, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक्सेलरेशन, तो हम लोग यहाँ से टी को गायब कर देंगे, तो टी का वैल्यू यहाँ पर आ रहा बच्चों एफ अपॉन 2 साइन थीटा, तो टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, फाइनली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा, ओके। सो यहाँ से ये आ रहा बच्चों एम ए बराबर कॉस थीटा, और टी का वैल्यू एफ अपॉन 2 साइन थीटा, एफ अपॉन 2 साइन थीटा, ओके। तो कॉस अपॉन साइन, ये होता है बच्चों कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा अपॉन 2। एक्सेलरेशन फाइनली हमें मिल रहा है एफ अपॉन 2 एम, और कॉट थीटा ये क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है एक्स, परपेंडिकुलर कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एक्सेलरेशन विल बी एफ अपॉन 2 एम एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मैच कर रहा है, ओके। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि समय के साथ परिवर्तन दर्शाते हैं, तो आवेग किस स्थिति में अधिकतम होगा। भाई सीधी सी बात यह है कि आई होता है एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है, आई होता है एफ इंटू डेल्टा टी। अगर हम लोग ध्यान पूर्वक देखें, तो फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वही हमें इम्पल्स दे रहा होगा, ओके, वही हमें इम्पल्स दे रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस पार्ट का, यानी एफ टी ग्राफ का कौन सा वाला एरिया सबसे ज्यादा आ रहा है, तो वो आप लोग बड़ी आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। ये आएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 1/4 आएगा, ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ रहा है बच्चों 0.3, ये था बच्चों 0.25, ठीक है, और ये आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये आएगा 0.5, और यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी आएगा बच्चों 0.5। तो इन दोनों का एरिया जो है वो सेम आ रहा है, इट मीन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इंपल्स विल बी मैक्सिमम फॉर 3 and 4 केस, ओके। सो थर्ड एंड फोर्थ, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा 14वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि थीटा झुकाव वाले नतल पर ऊपरी आधा भाग चिकना है और नीचे वाला आधा भाग खुरदरा है, तो विराम अवस्था से स्टार्ट हुई वस्तु अगर वापस निचले तल पर पहुंचकर विराम में आ जाए, तो नीचे वाले अर्धभाग का घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये लेंथ है एल और ये लेंथ भी कितनी है, ब्लॉक यहां से हुआ स्टार्ट, यहां से लेकर यहां तक चिकना भाग था, और यहां से लेकर यहां तक खुरदरा, और फाइनली यहां पर पहुंचते इसका वेलोसिटी हो चुका है जीरो, यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो। ठीक है बच्चों, और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा के यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है डब्ल्यू टोटल, यानी कुल बलों द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो कंटिन्यूसली लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन होगा माइनस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है फोर्स पीछे, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर, तो उसका वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर वर्क डन फ्रिक्शन डिस्टेंस कितनी एल, ठीक है, प्लस
एम जी साइन थीटा इंटू टूएल्व बल एम जी साइन थीटा विस्थापन कितना एल प्लस एल टूएल्व ठीक है। और डेल्टा के का वैल्यू यहाँ पर आएगा जीरो क्योंकि यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो और यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो। सो फ्रॉम हियर इसको सॉल्व करके हम लोग अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो है म्यूएस सॉरी म्यू के इंटू एन ओके दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ इंटू एल को यहाँ इस साइड में ले आए तो ये बन जाएगा बच्चों म्यू के एन एन होता है एम जी कॉस थीटा ओके एल और यहाँ पर आ रहा है एम जी साइन थीटा इंटू टू एल एल से एल यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो चुका है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि साइन अपॉन कॉस आएगा तो यहाँ पर आएगा टू टेन थीटा दैट इज म्यू ओके। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया कि एक बंदूक है जो कि तख्ते को पार करने में अपना वेग 1/20 भाग खो देती है तो गोली को विराम में लाने के लिए न्यूनतम कितने तख्तों की आवश्यकता है। देखिए बच्चों एक तख्ते को क्रॉस करने में इसका वेलोसिटी जो वी था वो पहुंच गया उसका 1/20 भाग उसने खो दिया यानी वी माइनस वी बाई 20 भाग खो दिया तो 19V/20 भाग इसका रह गया ओके। तो मान लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी है यू तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी 90/20U ओके। और ऐसे हम लोग कितने ब्लॉक यहाँ पर रखें ताकि फाइनली वेलोसिटी हो जाए जीरो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो समीकरण प्राप्त कर सकते हैं पहले यहाँ के लिए केवल एक ब्लॉक के लिए और उसके बाद सारे ब्लॉक्स के लिए। तो पहले मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है वो है x ठीक है या s मान लीजिए ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर v का वैल्यू 90/20 इंटू यू और इसका स्क्वायर यह आ रहा है यू स्क्वायर माइनस 2 और a s ठीक है। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर एक और अब स्टार्टिंग से बिल्कुल लास्ट की बात कर रहे हैं मतलब लास्ट में पहुंचते वेलोसिटी होना चाहिए जीरो और इसी वाले सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी का वैल्यू फाइनली यहाँ पर जीरो और यहाँ पर कितना यू स्क्वायर माइनस 2a तख्ते एस 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 एन एस ओके एन तख्तों की संख्या और एस है एक तख्ते की लंबाई। तो हम लोग इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग फाइनली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं यानी हम लोग एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ से आप क्या करना 2as को यहाँ ले जाना इस वाले पार्ट को यहाँ ले आना और यहाँ से आपको u स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। u स्क्वायर का वैल्यू आप लोग यहाँ पर रख दीजिएगा तो फाइनली आपको कंप्लीटली एन का वैल्यू मिल जाएगा ओके। नाउ इट मीन्स कैलकुलेशन इज देयर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा एन ये आएगा 10.25 के आसपास ठीक है। ये आएगा 10.25 के आसपास इट मीन्स 10 तख्ते तो ये क्रॉस कर जाएगा लेकिन 11वें तख्ते में जाते जाते इसका बीच में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा कहीं ना कहीं पर ओके। इट मीन्स हमें यहाँ पर 11 तख्तों की आवश्यकता पड़ेगी ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा 16वां प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जब इस स्प्रिंग के साथ कोलिजन कर रहा है टकरा रहा है तो टक्कर के पश्चात गुटके का अधिकतम संवेग कितना होगा। अधिकतम संवेग हमें यहाँ पर प्राप्त करना भाई सीधी सी बात है गतिज ऊर्जा बदलेगी स्थितिज ऊर्जा में तो इसकी गतिज ऊर्जा हाफ एम वेलोसिटी नहीं दी गई है ठीक है हाफ एम वी स्क्वायर इट विल बी हाफ के एच स्क्वायर ठीक बात है और इसे L दूरी तक संपीड़ित कर देता है मतलब यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा L ओके। तो अगर हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर को रख दें पी स्क्वायर अपॉन 2m के रूप में रख सकते हैं बिल्कुल गतिज ऊर्जा और संवेग के मध्य संबंध होता है ये आएगा हाफ के इंटू एल स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस p का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम संपीड़ित कर दिया है ओके।
तो जब ये ब्लॉक वापस से आएगा तो उस केस में इसका जो मैक्सिमम मोमेंटम होगा वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एम से एम यहाँ पर कैंसल हो चुका है, मास यहाँ पर है कैपिटल एम। ओके, सो पी का वैल्यू आ रहा है बच्चों एम इंटू के का तो रूट आ जाएगा और एल बाहर रह जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है 17वां प्रश्न, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ए बी सी डी और ई एफ के परितः अगर प्रतिरोध का मान एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई और जेड में से ज़्यादा कौन होगा और कम कौन होगा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्स की, रो इंटू एल अपॉन ए, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो रो ऐसा कैसा एक्स, एक्स है ए से लेकर बी तक, तो ए ये रो लेंथ कितनी इसकी 4a, एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला। ओके, इसका लेंथ 2a और ये यानी 2a square ये आ गया हमारा एक्स का वैल्यू। ओके, अब देखते हैं वाई का वैल्यू। वाई की बात करें तो वाई हमारे पास सी डी के लिए प्रतिरोध है वाई, तो सी डी ऊपर से नीचे की ओर, ये आएगा रो इंटू एल, एल कितना ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला। ठीक है, तो ये आएगा 2a into 4a, सो 2a into 4a। और उसके बाद आ रहा है जेड, रो इंटू एल अपॉन ए, जेड के लिए हमें चाहिए ई एफ, ई से लेकर एफ तक, तो लेंथ ये वाली लेंथ 2a। ओके, सो 2a और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला। ठीक है, तो 4a into a यानी ये आएगा 4a square। अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे कि x, y और z में से ज़्यादा कौन है और कम कौन है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाकी सब कुछ तो सेम है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये आएगा 2, ये आएगा 1/8। ओके, और ये आएगा 1/2। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि x सबसे ज़्यादा है, उससे कम है z, केवल मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, 1/2 आ जाएगा ना, तो ये z है और सबसे कम 1/8 ये आ रहा है। ठीक है, 1/8 रो a अपॉन रो a से a कैंसिल, तो रो अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर z आ रहा है 1/8, सॉरी y आ रहा है, तो y जो है वो सबसे कम है। तो x ज़्यादा, z कम और y सबसे कम, x ज़्यादा z कम और y सबसे कम। ओके, चलिए ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एक्स ज़्यादा वाई कम, सॉरी जेड कम और वाई सबसे कम, 1/8, 2 और 1/8। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप यू गॉट इट, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 18वां प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है 200 ओम और इसके अंदर धारा बह रही है तो 500 mA धारा नापने वाले एमीटर में बदलने के लिए कितने शंट की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर और इसका रेजिस्टेंस है मान लो ये, इसको हमने कहा RG, और आपको पता है कि अगर इसको एमीटर के अंदर चेंज करना था शंट के रूप में आपको एक प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है, इसको हमने कहा S, और अब ये चेंज हो चुका है किसमें, एमीटर में। तो अब इसने कहा कि 2 mA तक नापता है, इट मीन्स इसमें जाएगी धारा 2 mA, बाकी बची हुई धारा कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। हमें चाहिए 500 mA नापने वाला एमीटर, तो ये टोटल धारा है कितनी, 500 mA, तो 2 / यहाँ पर, तो ये आ गया बच्चों 498 mA। अब देखिए बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है समांतर क्रम में, मतलब वोल्टेज यहाँ पर और यहाँ पर बराबर होगी, तो ये आएगा प्रतिरोध गुणा धारा 498 mA। ओके, और यहाँ पर प्रतिरोध कितना, आरजी और करंट कितना, 2 mA, इट इज mA। ओके, सो इट विल बी 2 mA, तो mA से mA यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। एस का वैल्यू आपको चाहिए, आर जी का वैल्यू है ही आपके पास, आर जी का वैल्यू है बच्चों 200 ओम। ओके, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करके एस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू कैन सॉल्व इट, आगे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके,
तो आर जी का वैल्यू 200 गुणा 2 बटा 498। ओके, तो ये आएगा बच्चों 400 बटा 498, जो कि आएगा लगभग 0.8 के आसपास। ओके, 0.8 ओम, इट विल बी एस। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर दो प्रतिरोध जो है उनके ताप गुणांक के मान है अल्फा 1 और अल्फा 2, अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो प्रतिरोधों का प्रभावी तापीय गुणांक क्या होगा। तो हमको पता है कि भैया आर नेट क्या होता है बच्चों, R1 + R2। ठीक है, तो R1 के लिए अच्छा, और अल्फा जो होता है वो हमें पता है, अल्फा होता है बच्चों डेल्टा R/R0 ∗ Δt। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अगर अल्फा की ही बात कर लें तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपना एरर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ आएगा डेल्टा आर नेट, ये आएगा डेल्टा आर वन, ये आएगा डेल्टा आर टू। अब हम क्या करते हैं कि आर नॉट का इन तीनों में डिवाइड कर देते हैं, आर नॉट का डिवाइड यहाँ से भी और यहाँ से भी, और टेम्परेचर का जो चेंज होगा वो भी तीनों में सेम ही होगा। तो डेल्टा टी का भी हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा टी। तो अब क्या हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आएगा अल्फा 1, ये आएगा अल्फा 2। ओके, सो इट विल बी अल्फा 1, इट विल बी अल्फा 2। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ की, तो आपको पता है कि यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर नॉट, यहाँ पर डेल्टा आर नेट अपॉन 2R आएगा। क्यों? क्योंकि हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, तो आर नॉट प्लस आर नॉट, इट मीन्स 2R0। ओके, इट मीन्स हियर विल बी 2R0। ओके, चलिए ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, और यहाँ तक अगर कोई डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें डेल्टा आर नेट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी का वैल्यू, ठीक है, देखते हैं एक बार। तो बच्चों आर नेट ये आएगा बच्चों 2R0 1 + α net ∗ Δt। ठीक है, श्रेणी क्रम में हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो इन दोनों का चेंज दैट विल बी डेल्टा आर और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये आएगा ठीक है। देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपको मिलेगा आर नेट, इट विल बी 2R0 + 2R0 α net ∆t। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा डेल्टा आर नेट। ठीक है, और यहाँ पर रह जाएगा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, आर नॉट डेल्टा टी कर दिया डिवाइड, तो ये आएगा 2α net। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस इज 2α net। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अल्फा नेट विल बी α1 + α2 upon 2। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा 20वां प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी इस आर रेजिस्टेंस में। जाहिर सी बात है ये सब मान लीजिए ये बैटरी, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, जैसे ये बैटरी और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। तो इस केस के लिए आपको पता है कि ई नेट का फॉर्मूला होता है बच्चों E1 R1 + E2 R2 upon R1 + R2। तो अगर इन सब का वैल्यू हम लोग रखें E1 R2, तो ये 10, 20, 20 और ये 1, ये आएगा बच्चों ई नेट का वैल्यू 10 वोल्ट। ओके, और अगर हम लोग बात करें आर नेट की, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये आएगा 1/2। ठीक है, तो ई नेट और आर नेट हमको मिल चुका है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायग्राम है वो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ये है हमारी बैटरी जो कि 10 वोल्ट की, और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज़ 1/2 ओम, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज़ आर।
अब आपको पता है कि मैक्सिमम करंट फ्लो तब होगा जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो जाए. सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी 1/2 ओम. ओके, तो आर का वैल्यू 1/2 ओम आएगा. अब हम लोग यहाँ पर पावर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आई मैक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं. 10 वोल्ट अपॉन 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1. इवन 10 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है और हमें चाहिए इसके अंदर पावर. सो पी मैक्सिमम इट विल बी आई मैक्सिमम स्क्वायर इंटू आर. तो 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा और आर का वैल्यू 1/2. सो इट विल बी 50 वॉट. ओके, ये आएगा बच्चों 50 वॉट. ओके, आई होप यू गॉट इट. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. सो फ्रॉम हियर वी कैन चेक विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 50 वॉट. 50 वॉट यहाँ पर आ रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. और अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो है न्यूमेरिक वैल्यू वाले, जिसमें हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पहला प्रश्न. और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक्स एक्स के अनुदिश गति कर रहे कण का त्वरण यह है. एक्स बराबर 0 पर कण का वेग 0 है. तो एक्स बराबर 2 पर कण की चाल क्या होगी. ठीक है बच्चों, एक्सलरेशन है हमारे पास कितना है 8 - 4x. ये अगर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो v इंटू डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा. इट विल बी 8 - 4x. इसको ले जाएंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन कर देंगे तो यह आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 और यह आएगा 8x - 4x² / 2. लिमिट ले लेंगे v का लिमिट एक्स बराबर 0 पर. एक्स बराबर 0 पर वेग कितना है 0 और x बराबर 2 पर चाहिए. तो 2 यहाँ रख दो, यहाँ पर वेग रख देंगे. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ये आएगा बच्चों अपर लिमिट 8 × 2. ये इससे हो गया कैंसिल 2 बार. ठीक है, ये आएगा -2 × 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ रहा 16, 16 में से गया 8 यहाँ पर रह जाएगा. तो वी स्क्वायर का वैल्यू 2 यहाँ पर आ गया, ये आ गया 16. तो वी का वैल्यू रूट ऑफ 16 दैट इज 4. ओके, सो 4 मीटर पर सेकंड दिस विल बी आवर आंसर. ओके, सो इसका आंसर होगा 4 मीटर पर सेकंड. बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर. अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, जिसमें आपसे क्या कहा गया है. ओके, अधिकतम प्रसार ज्ञात करना है. ठीक है, मान लीजिए कि इसमें अधिकतम प्रसार का मान है एक्स. ठीक है, समझिएगा ध्यानपूर्वक. अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर टेंशन टी है और इसमें भी टेंशन टी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर टेंशन होता है 2T. ठीक है, तो अगर टेंशन डबल होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है आधा. जानते हैं ये बात हम लोग. ओके, तो टेंशन डबल डिस्प्लेसमेंट आधा. इट मीन जितना एक्सटेंशन इसमें हुआ है यानी एक्स में, उससे आधा ये ब्लॉक नीचे जाएगा यानी एक्स बाई 2 से नीचे की ओर जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जितना इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है यानी एम जी एक्स बाई 2, उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी यानी सेव हो जाएगी. तो ये आएगा बच्चों 1/2 k. एक्स का वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर. ओके, तो 1/2 k² तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख के अपना आंसर तक पहुँच सकते हैं. एम का वैल्यू कितना है बच्चों 1, जी का वैल्यू 10 और एक्स है 1x कैंसिल हो चुका है, ये आ रहा है 5/2. ओके, यहाँ भी आ रहा है 5/2. ये के का वैल्यू कितना है बच्चों 500. ओके, और ये आएगा बच्चों एक्स. तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो चुका है. एक्स का वैल्यू ये आ रहा है 10 / 500. मीटर में है ये, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर हमें चाहिए सेंटीमीटर में. तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी सेंटीमीटर. तो 500 या 1000 यानी 2, यानी 2 सेंटीमीटर. दिस विल बी द एक्सटेंशन. ओके, एक्स एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है. ओके, सो आंसर विल बी 2 सेंटीमीटर. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक पार्टिकल को हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ला रहे हैं इस फोर्स की हेल्प से. ये फोर्स भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा. क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया है कि ये फोर्स जो है ये एम जी कॉस थीटा. और आपसे ये भी कहा गया है कि ये पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है. इट मीन्स इस फोर्स का वैल्यू
और इस पार्टिकल पर जो बाकी फोर्सेज है उन सबका सम क्या होना चाहिए, जीरो, नेट फोर्स विल बी जीरो। तो इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना है, तो बीच वाली कोई सिचुएशन हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ओके। तो बीच वाली सिचुएशन हमने ले ली, मान लो यहाँ एंगल फाइव के ऊपर हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इसको दिया, तो ये एंगल हमारा डी फाइव, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये हमने कहा डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट देने में जो वर्क डन होगा, ओके, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट देने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी डी डब्ल्यू, दैट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स यहाँ पर है एम जी कॉस थीटा, तो हम लोग इस डी एक्स को भी थीटा की फॉर्म में ले आते हैं। रेडियस कितना है बच्चों, आर, एंगल होता है बच्चों आर अपॉन रेडियस, तो आर डी एक्स है, रेडियस है आर, तो डी एक्स को लिख सकते हैं आर डी फाइव, ओके, सो इट विल बी आर डी फाइव, दैट इज डी डब्ल्यू। अब हमें चाहिए टोटल वर्क, तो क्या करें, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और फाई का जो लिमिट है दैट विल बी फ्रॉम जीरो टू फाई बाई टू, ओके। सो यहाँ पर जीरो ये डब्ल्यू एंड फाई कैन चेंज फ्रॉम जीरो टू फाई बाई टू, ओके। सो यहाँ से आएगा डब्ल्यू और यहाँ से आएगा एम जी इंटू आर कॉस थीटा का किया इंटीग्रेशन, दैट विल बी साइन थीटा एंड जीरो टू फाई बाई टू। सो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा वन, ये आएगा बच्चों एम जी इंटू आर, ओके, देख लीजिए एक बार, ठीक है, कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया, आर को ले लिया बाहर, ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, ओके ओके। अब हमें यहाँ पर चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू, तो एम जी और आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो एम का वैल्यू कितना बच्चों वन, जी का वैल्यू टेन होता है, ओके, और आर का वैल्यू कितना 50 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर चाहिए वर्क जूल में, तो हम लोग इसको भी चेंज कर लेते हैं, हम लोग इसको भी चेंज कर लेते हैं, आर, आर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर में है ना, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग मीटर के अंदर, यानी 100 से कर देते हैं डिवाइड, ओके। तो 0 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, फाइनली यहाँ से आ गया 5 जूल, ओके, 5 जूल आर आंसर, ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न, ओके, तो देखते हैं इसको। इसके अंदर आपसे कहा गया कि 10 मीटर गहराई से पानी को खींचना है और 10 मीटर ऊंचाई तक ले जाना है, ठीक है, 10 मीटर तो खींचना है और 10 मीटर ऊंचाई तक लेके जाना है, तो टोटल हाइट कितनी होगी बच्चों 20 मीटर, तो हाइट तो है हमारे पास, फिर क्या कहा आपसे, 10^-2 मीटर स्क्वायर वाले एक पाइप द्वारा इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया, ठीक है, कितना है वो 10^-2 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और क्या कहा आपसे, इससे 0.2 मीटर क्यूब प्रति सेकंड आयतन, यानी वी अपॉन टी आयतन प्रति इकाई समय आपको दिया गया है 0.2 मीटर क्यूब प्रति सेकंड पर सेकंड, ठीक है, तो आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों, देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा, ओके 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 ओके, ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके भी जाना है और पर सेकंड बाहर की ओर जो पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम भी आपको दिया गया, इट मीन्स पहले तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, यानी एम जी एच वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको देनी है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि तभी ये पानी यहाँ से बाहर की ओर आ पाएगा, इट मीन्स यू विल हैव टू गिव इट काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, सो दैट इज आवर टोटल वर्क, ठीक है, और हमें चाहिए पावर, पावर मतलब डब्ल्यू अपॉन टी, तो हमने क्या किया, टी का यहाँ पर कर दिया डिवाइड यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट इट टिल हियर। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ये आएगा हमारा पावर, अब बात कर लेते हैं एम जी एच की, एम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जी इंटू एच अपॉन टी, ठीक है जी, और यहाँ पर यह आएगा बच्चों हाफ
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी अपॉन टी का वैल्यू है हमारे पास, देख लीजिए 0.2, ये हमारा वी अपॉन टी का वैल्यू। डेंसिटी ऑफ वाटर इन MKS दैट इज 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी है हमारे पास। G का वैल्यू है ही, H का वैल्यू 20, G का वैल्यू 10, हाफ V अपॉन T दिया गया है 0.2, रो 10^3, ओके। और प्रॉब्लम है अब वेलोसिटी का, मतलब यहाँ से जो पानी जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये हमको पता चल जाए तो हम लोग इन सब का वैल्यू रख के आसानी के साथ अपना आंसर ला सकते हैं। तो प्रॉब्लम है अब वेलोसिटी का। तो बच्चों देखिए, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ठीक है। और अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं टी का, ठीक है, तो वी अपॉन टी ये है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, और यह है एल अपॉन टी यानी वेलोसिटी, तो ये ए इंटू वी। तो एरिया है हमारे पास ये वाला, और वी, वी का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वी अपॉन टी दिया गया है, एरिया भी आपको दिया गया है, वी का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लोगे और वी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पर रख दीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आपको पावर मिल जाएगा। इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से देयर विल बी ओनली कैलकुलेशन नाउ, ओके। सो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको, ओके, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके। तो यहाँ से आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और अब है हमारा पांचवा प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि 2 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा, मतलब यहाँ से धारा कितनी बहेगी। भाई देखिएगा, सिंपल सी बात है, हालांकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 2 ओम जो है शॉर्ट सर्किट में आ चुका है, मतलब इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी, करंट यहाँ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे कहे कि इसको मैथमेटिकली प्रूव कीजिए, तो कैसे हम लोग इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर है 0 वोल्ट, यहाँ पर कितना 20 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना 20 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना 20 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना 20 वोल्ट, तो इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच का वोल्टेज क्या है, सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेल्टा वी का वैल्यू आएगा 0, तो आई ये आएगा डेल्टा वी अपॉन आर, आर है हमारे पास 2, डेल्टा वी का वैल्यू 0, सो फ्रॉम हियर वी कैन से करंट विल बी 0, इट मीन्स आंसर विल बी 0 एम्पियर, ओके। चलिए ठीक है बच्चों, सो ये था हमारा एक पेपर, DTS 5 का फिजिक्स का पेपर नंबर 2 है ये, ओके, जेईई मेंस का। सो आई होप यू गॉट इट, अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले हम लोग वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करें किसी और पेपर की या किसी और टॉपिक की, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ओके। सो जय सी एल सी, टेक केयर, बाय बाय।